हाँ उसमें बिल्कुल थोड़ी सही सी कह बात अगर हो जाए तो उसमें बेस्ट होगा। उसमें फैसल भाई देखें, जो गुलाम हैदर के पास जो प्रूफ है, वो प्रूफ यकीन माने बहुत ज्यादा अहमियत शामिल है। वो प्रूफ रहे। हमने मोमिन मलिक साहब को फराहम कर दिए, उनके हवाले कर दिए, उनके सपोर्ट कर दिए। वो इसलिए कि वो प्रूफ कोर्ट में या किसी भी जो कानूनी फोरम है वहां पर पेश किए जा सकते हैं कि सीमा के ऊपर ना सिर्फ बदतरीन तशद्दुद किया गया है बल्कि ऐसा लगता है कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो काफी दिन तक, आपको पता है कि जब हम भी खुद हैरान थे कि इतने दिन से कोई वीडियो, लाइव वीडियो या कोई इस तरह की जो है वो चीज सामने नहीं, तो उस दौरान ऐसा लगता है जो हमने प्रूफ देखे हैं उससे बजाय लगता है कि उस दौरान उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने वाला सीमा सचन था, मित्रपाल था, कोई मीना से कोई और था, एपी सिंह था, या कौन था, इसके बारे में तो जाहिर है वहां के इदारे अगर इन्वेस्टिगेशन करें तो पता चलेगा, लेकिन बदतरीन तशद्दुद किया गया है। तो मैं विनती करूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि देखें उसको सेव करें फौरी तौर पर, क्योंकि देखें कोर्ट ने फैसला करना है कि बच्चे गुलाम हैदर को कब मिलना है, कोर्ट ने फैसला करना है कि इसकी सचिन की शादी लीगल है या नहीं है या सिर्फ ढोंग का ड्रामा रचाया हुआ है। लेकिन उससे पहले सीमा की जिंदगी भी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके बच्चों की जिंदगी बहुत ज्यादा बचाना जरूरी है, तो इसलिए उनको सेफ और सिक्योर रखने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन ले और सीमा को वहां से मूव करके दूसरी जगह पर रखें, क्योंकि वहां पर वो जिंदगी खतरे में, उसकी जो टीवी पे नजर आ रहा है ना, वो उसके बैग पे बहुत कुछ और है, जो वो ऐसा लगता है, जो मुझे नजर आ रहा है, जो जो मैंने समझ पाया हूँ, वो मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है, उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं है। अब गवर्नमेंट ही, आपको पता है कि इस तरह के जो गैंग है, जो जिस तरह सचिन और ये पूरे उनके खानदान का गैंग है, उस गैंग से कोई और तो निकाल नहीं सकता, पुलिस निकाल सकती है, पुलिस का इख्तियार है वो निकाले, वरना अगर खुदा ना खासा उसकी जिंदगी को कुछ हो गया, इन लोगों ने कर दिया और ये कह दिया कि जी उसने खुद आत्महत्या की है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, क्योंकि ये केस जिस तरह 8-9 महीने से रिपोर्ट हो रहा है तो कोई खामोश बैठने वाला तो नहीं है। हम ये इस आपकी वीडियो के तवज्जो से हम अपनी पाकिस्तानी हाई कमीशन से भी अपील करेंगे कि आपसे मोमिन मलिक साहब ने रब्ता किया और आपने मोमिन मलिक साहब के रब्ते के बाद खुद भी जो है वो गुलाम हैदर से रब्ता किया था, उनको यकीन दिलाया था कि उनके बच्चे वापस दिलाने में आप मदद करेंगे, तो आपको खुद भी सोचना चाहिए कि आप पुलिस से भी रब्ता करें, आप इंडियन गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट से, एटीएस से, हमारी हाई कमीशन भी रब्ता कर सकती है कि देखें जी उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो लिहाजा वो जानकारी दी जाए और फौरी तौर पर इसको इसका मेडिकल चेकअप कराया जाए। जो जो उसको चेहरे पर निशान है वो मेकअप से ढके गए हैं, वो उसकी उसकी ब्लीडिंग हुई है, मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ फैसल भाई, उसके ना सिर्फ चेहरा बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे तशद्दुद के निशान है, मारपीट के निशान है, उसको फोड़ा गया है, तो इसलिए फौरी तौर पर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये मैं वसूख से कह रहा हूँ, आपसे भी अपील करूंगा कि आप लोगों को बताएं कि क्या सूरत हाल है, ये इस तरह की इसको चीजों को हजम नहीं किया जा सकता। सर, ये चीज जो आप बता रहे हैं ये तो बड़ी एक खतरनाक किस्म की नहीं फैसल भाई, सिचुएशन आप है, जिसमें जिसमें इस लेवल का मतलब अगर उस पर तशद्दुद हो रहा है। और इस बात को गुलाम हैदर आज से नहीं, जब वो सऊदी अरेबिया थे तब उस वक्त से ये बात करते हुए आ रहे थे कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है, मैं जानता हूं, मुझे समझ है। ये जो टीवी पर वो आके बोल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ वो चीजें हैं जो हमें टीवी पर नजर आ रही हैं या हमें जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू नजर आ रही हैं, हकीकत में वो एक ऐसी दलदल में फंसी हुई है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सो ये बार बार एक चीज जो है वो रिपीट हो रही थी और उनके उनके हवाले से ये बात हो रही थी। फिर रिसेंटली जब हमारी बात हुई अंसार बरनी साहब के साथ, आप थे, तो उन्होंने भी इसी खदशे का जिक्र किया कि आप जो हैं वो कम अज कम बच्चों की सिक्योरिटी और जिंदगी है उसको जो है वो बेहद खतरात लाक है। और सर थोड़ा सा बता दीजिएगा, जो वीडियोस आपके पास आई हैं या जो मवाद आपके पास आया है उसको लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या हकीकत ऐसी ही है, क्योंकि हमें तो सीमा नाचती टापती और ठुमके लगाती हुई नजर आई है, इसके अलावा तो हमने देखा ही नहीं है उसको। देखिए, मैं बताऊं फैसल भाई, मैं आपको पता है कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूं, अगर मैंने मतलब चूंकि मैंने देखी है पहले, मेरी आज मुलाकात हुई है, हम 3-4 घंटे गुलाम हैदर के साथ थे, ठीक है, और उसके बाद चीजें मैंने देखी हैं, क्योंकि गुलाम हैदर इतना सादा इंसान है वो लोगों को ब्रीफ भी नहीं कर पा रहा कि मसला क्या है। मैंने चूंकि चीजें देखी हैं तो इसलिए मैं वसूख से बात कह सकता हूँ कि उसकी जिंदगी खतरे में, सीमा की और बच्चों की जिंदगी भी खतरे में है। अब सीमा से इस किस्म की तो दुश्मनी नहीं है गुलाम हैदर की कि सीमा की जिंदगी को किसी किस्म का भी नुकसान होता है तो गुलाम हैदर खुश होगा, नहीं, वो उसकी भी जिंदगी की सेफ्टी सिक्योरिटी चाहता है, अपने बच्चों की जिंदगी की भी सिक्योरिटी सेफ्टी चाहता है, ठीक है। फैसला करना है कानून ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने, कि क्या आया कि वो जो कह रही है
शादी का या जो भी उसका मामला है, बच्चे वापस होने हैं नहीं होने, वो तो कानून फैसला करेगा। मैं कह रहा हूँ कि उस कानून के फैसले से पहले ही ये चीज होनी चाहिए कि उसको दूसरी जगह शिफ्ट करें और उसकी मेडिकल चेकअप कराया जाए, उसकी ट्रीटमेंट कराई जाए। मैंने वीडियो देखी है, ठीक है, उसके जिसमें खतरनाक किस्म का उसका तशद्दुद किया गया है। मैं आपको अगर ये लगा के देखूं, इस जगह पे ब्लीडिंग, ये फटा हुआ था, ये जगह, ये जो आंख का ये हिस्सा है, ये आंख का हिस्सा, ये पूरा फुला हुआ था, और इसी तरह पूरा जिस्म उसका जो जो नजर आए वो पूरे फोड़े हुए थे और बहुत बुरी हालत में। बहरहाल वो हमने अपने वकील को दे दिए, मोमिन मलिक साहब को। मोमिन मलिक साहब जो है अब उसको जो है वो मजीद पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जिंदगी उसी नुकसान में है, उसको खतरा हो सकता है किसी उसकी। अगर हम ये बात जो दावा कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो भाई वो सीमा को सामने लाने के बजाय उसका पुलिस ले जाए, मेडिकमेंट कराए और उसके बाद ट्रीटमेंट कराने के बाद एमएलसी को मिलती ले, पब्लिक करें कि हम झूठ बोल रहे थे, तो उसका पता चलेगा मेडिकल से ही कि क्या हम झूठे थे या वो। अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो भाई हम आपसे माफी लेंगे, ठीक है, हमने गलत नहीं की थी, लेकिन हमारे प्रूफ है, उसका भी फिर फ्रांस खड़ा लिखा कि वो प्रूफ है वो ठीक है, या फिर जो वहां से जो दावे किए जा रहे हैं वो ठीक है। तो बहरहाल ये चीजें हैं जो देखने वाली है, जिसको फौरी तौर पर इसको देखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मुश्किल हालात। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ना सिर्फ बच्चों को बल्कि सीमा को भी रेस्क्यू की जरूरत है, और उसको जो है वो जल्द अज जल्द किसी ऐसे शेल्टर हाउस में या ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां पर कम अज कम ये जो मारपीट का अमल है ये इससे बच सके, और ये मामला जो है वो कम अज कम जब तक कोर्ट की हियरिंग होती है या जो भी मामलात होते हैं उसके पहले ही इसके जो है वो रेस्क्यू का अमल जो है वो आना चाहिए। क्योंकि सिचुएशन जिस तरह की शाहिद भाई बता रहे हैं ये बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है, और इस चीज को लेकर या इस चीज को मतलब कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी लेवल तक जाया जा सकता है। और सीमा जो ऑन द कैमरा जो जो कुछ बता रही है, ये जो कुछ कर रही है वो सिर्फ एक झूठ है, और हकीकत जो है वो उससे काफी जो है वो हटकर है। तो शायद भाई ये चीज जो है ये बड़ी खतरनाक, वो फंसी हुई है, मैं बड़ा परेशान हूं, वो फंसी हुई है। मैं जनरली उस मुकम्मल तौर पर फंसी हुई है, उसको बेचारी को वो बोल भी अपनी मर्जी नहीं चाहती, यानी कि अगर वो काम कैमरे के सामने हुई है और हकीकत बोलना शुरू कर दे तो वहां उसकी जान ले ली जाएगी। वो इस किस्म की मुश्किल में, मैं आपको जरूरी बता रहा हूँ, वो इस किस्म की मुश्किल में कि कैमरे के सामने बैठी हो अगर वो सवाल का सही जवाब दे तो वहां उसकी हत्या कर ली जाएगी, उसको उसकी जान ले ली जाएगी, इस किस्म की मुश्किल में वो। तो इसलिए उस मुश्किल से निकाला जाए, उसको एक शेल्टर होम में महफूज मकाम पर मुंतकिल जाए, कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या उसने जो शादी की है वो ठीक की है गलत की है, बच्चे किसके पास जाने हैं नहीं जाने वो बात की बात है, लेकिन फौरी तौर पर उसको रेस्क्यू की जरूरत है। बहुत ज्यादा मुश्किल कंडीशन आपने बताई है, ये हकीकत है कि इस तरह तो बच्चों के लिए हमारी जो एक कोशिश है या काविश है वो कहीं नुकसान में ना चली जाए। मैं यकीन जाने बहुत ज्यादा जो है ना इस हवाले से परेशान हो गया हूँ। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब गुलाम हैदर, एक तो पहले हम उनको मेंटल टॉर्चर में देख रहे हैं, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एक शख्स कितना ज्यादा परेशान हो जाता है, खास तौर पर अपने बच्चों को लेकर कि जब उनकी जिंदगी एक मुश्किल में हो। देखिए अगर बच्चे वहां पर हैं मुश्किल में हैं और फिर वो कोई रसाई नहीं है, कोई राबता नहीं है, और ये कैमरे पर भी नहीं आ रहे, तो गुलाम हैदर की जो हालत है वो दिन ब दिन जो है वो ज्यादा खतरनाक होती जाएगी। तो मतलब एक बड़ी क्रिटिकल किस्म की ये सिचुएशन है, एंड लाइक अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह ताला बेहतरी करे, और मेरी तो दुआ है, हम सब की दुआ है, आप लोग भी जो लोग देख रहे हैं वो डेफिनेटली कोशिश करें, दुआ करें कि कम अज कम ये मामला का जो एंड है ये अच्छी तरह से हो जाए और जल्द अज जल्द हो जाए। और अच्छी बात यह है कि मीनवाइल हमारे पास एक एडवोकेट मोमिन मलिक साहब जो है वो कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। दुनिया को पता है, आप सब जानते हैं कि वो जब से उनके केस हवाले हुआ है उन्होंने खुद पाकिस्तानी हाई कमीशन से रابطہ किया, उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस से रابطہ किया, वो खुद पुलिस के पास गए, उन्होंने देखे वो वकील है कि देखे वो 10 बंदूक का जुर्मोट लेके फैसला भी साथ ही घूम रहे, ठीक है, वो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो फील्ड में जाते हैं, काम करने के बाद बताते हैं कि मैंने ये काम कर लिया, तो उनसे तवक्को है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उम्मीद है इंसाफ दिलाएंगे, वो किसी के खिलाफ नहीं, किसी की चर्चा नहीं कर रहे, वो जो इंडियन जो संविधान है, जो कानून है, वो उस हिसाब से वो इंसाफ दिलाएंगे, अगर इंसाफ गुलाम हैदर के हक में होगा तो इंशाल्लाह उनको जरूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और ये सर मैं यकीन माने मतलब मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मामला इस हद तक खराब हो गया है।
लेकिन जो भी मामला हुआ है ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। देखिए एपी सिंह जो है या बाकी जो लोग हैं वो तो सब एक ड्रामा लगाने आते थे, एक तमाशा देखने आते थे, वो आते थे तमाशा करते थे और उसके बाद चले जाते थे। हकीकत क्या है, मामलात क्या है, कौन वहां पर उसका अपना है जो उसको बचाएगा, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना कोई बहन है, ना भाई है। ये कितनी मुश्किल कंडीशन एक औरत ने अपने लिए बना ली है और उसके साथ फिर चार बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और इससे हमारे उस चीज को तकवीयत मिलती है, उस बात को ये ज्यादा कुवत मिलती है कि ये जो पहली बार खुद गई थी और फिर दोबारा इसको बच्चों के लिए कहा गया था कि बच्चों को लेकर आए, ये एक्चुअली में वही बात है जिसको लेकर हम जा रहे हैं कि ये ब्लैकमेल किया गया है इसको, इसको बच्चों को, बच्चे जो लेकर आई है ये ढाल बनाना था और इसको ब्लैकमेल करना था, और वही मामला आइंदा के हमारे सामने आता जा रहा है। आने वाले दिनों में सर बहुत सारी चीजें और आएंगी, क्योंकि ये चीज वो है जो अभी सिर्फ तस्वीर का दूसरा रुख हमारे सामने आना शुरू हुआ है। अभी तो हमें सिर्फ एक सीमा का वो चैनल चलता हुआ जिसमें वो नाचती गाती और हम सीमा के किरदार या सीमा के हवाले से अगर बात करते रहे हैं तो उसके उस गलत कामों की बात करते रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर आ गया है कि जिसके बाद हमें अब हर एंगल से सोचना है और कोई भी बात करते हुए बहुत ज्यादा सोच समझ के बात करनी है। द रीजन इज दैट कि हमारी भी किसी बात से अगर सीमा या गुलाम हैदर के केस को कोई ठेस पहुंचती है तो हम सब जिम्मेदार हैं। तो जितने भी लोग हैं जो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं, जितने भी लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं या इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है दुआ की भी, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स को इख्तियार करें, थोड़ा सा सीरियस होकर इस मामले को लेकर चलें, बिकॉज ये सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता एक खतरनाक मोड़ पर जा रही है। और दुआ करें आप सब लोग खास तौर पर कि मामला जो है वो अच्छी तरह से हो, इसमें कोई ऐसा मामला ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी चीज आती है खुदा ना खास्ता सीमा की जान का कोई मसला बनता है या बच्चों को कोई खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचता है तो इंडिया या पाकिस्तान ये कोई एक मुल्क की बात नहीं है, ये एक इंसानियत की बात है जो इंसानियत हार जाएगी। तो हमें कम अज कम इंसानियत को जिंदा रखना है, हमें कम अज कम इस मामले में लाख इख्तलाफ हमें हो सीमा से, लाख इख्तलाफ हो उसके एक्ट से, लेकिन जहां पे बात जान की आ जाती है, जहां पे बात ह्यूमन बीइंग की आ जाती है, इंसानियत की आ जाती है, वहां पर हर चीज पीछे हो जाती है।